Hello everyone, welcome to our channel. Today in this video, I'm going to provide you some important physical geography questions which were asked in your PYQ and many important questions that can be repeated in your upcoming exams too. So let's get started. Question number one is, magnetic meridian is an imaginary. Magnetic meridian ka aapka jo line hai, jo nature hai, wo pucha gaya hai. So the correct answer for this question is vertical plane. जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो एक इमेजिनरी अर्थ के रेस्पेक्ट में एक वर्टिकल प्लेन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड यूरेनस. सो यूरेनस के बारे में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आर सोलर सिस्टम. ओके, इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट एज वेल एज जो यूरेनस है, इट इज ऑल्सो अ जोवियन प्लैनेट. अब जोवियन प्लैनेट्स वो प्लैनेट होते हैं जो कि साइज में बड़े होते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल जुपिटर, नेपट्यून, सैटर्न, यूरेनस. तो ये जितने भी जोवियन प्लैनेट्स हैं वो बिगर इन साइज होते हैं एंड मोस्टली गैशियस इन नेचर होते हैं, गैस से बने होते हैं. ठीक है, वेर इज जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं जो कि मरकरी, वीनस, मार्स एंड अर्थ है, इनके जो नेचर है वो सॉलिड होता है और ये साइज में भी छोटे रहते हैं. ठीक है, अब इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज विलियम हर्शटेल. आप हर्ष नाम से याद रख सकते हो, यूरेनस की डिस्कवरी की थी हर्शटेल ने. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट आर ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ. इनमें से किस लाइट के फिनोमेना की वजह से एडवांस सनराइज मतलब जल्दी सनराइज होता है और डिलेड सनसेट होता है, डिले सनसेट होता है. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ऑल यू नो, रिफ्रैक्शन इज द बैंडिंग ऑफ लाइट वेयर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट बेंड्स टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, नेक्स्ट इज, विच गैलेक्सी इज नियर बाय टू आर मिल्की वे गैलेक्सी. जिस गैलेक्सी का अपना सोलर सिस्टम पार्ट है दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारी गैलेक्सी के जो नियर बाय गैलेक्सी है वो कौन सी है ये आपसे पूछा है. इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, एंड्रोमीडा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ द अर्थ. इनमें से कौन सी गैस है जो कि क्रोमोस्फेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की एक जो लेयर है उसमें डिस्कवर की गई है. ऑप्शंस आपको दिए गए हैं हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन एंड आर्गन. सारी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से एकदम बाय हार्ट लर्न कर लेना. इसका करेक्ट आंसर है हीलियम, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइंटिस्ट हु फर्स्ट डिस्कवर्ड दैट द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. इनमें से किस साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की थी दैट द सन इज स्टेबल एंड अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड इट्स ऑर्बिट, इन इट्स ऑर्बिट. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप हमेशा कैपलर और कॉपरनिकस में कंफ्यूज हो गए. तो इसका सिंपल ट्रिक है, ये आपका जो ऑर्बिट है मैंने किस साइज का मतलब किस शेप का बनाया दैट इज सर्कल, तो इससे सी से हो जाएगा कॉपरनिकस. ठीक है, अब आप कभी नहीं भूलोगे. नेक्स्ट इज, कैपलर ने कहा था कि जो सन है वो एक वन ऑफ द फोकस पे लोकेटेड है ऑफ द इलेप्टिकल ऑर्बिट, और हमारा जो अर्थ है इस इलेप्टिकल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस, लेकिन इलेप्टिकल ऑर्बिट की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर कैपलर. ओके, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट ऑफ आर सोलर सिस्टम हैज लीस्ट मास, मतलब सबसे ज्यादा सबसे कम मास किसमें है. ऑब्वियसली अभी हमने मास की बात की थी तो हमने बताया था कि जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं वो सॉलिड इन मटेरियल उनका सॉलिड है मतलब. ठीक है, तो इसमें सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स दे रखे हैं जैसे वीनस, मरकरी, मार्स एंड सॉरी अर्थ. अब इसमें जो लीस्ट मास है वो किसका है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर दैट इज मरकरी. मरकरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ये नियरेस्ट भी है सन के एंड ऑल्सो सॉरी फॉर द पैन. ओके, तो ये जो नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, और अगर आपसे पूछा जाए कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है तो वो कौन सा है, मरकरी. नहीं, अगर ये सन के नियर बाय है फिर भी ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है, हॉटेस्ट प्लैनेट इज वीनस. ठीक है, इन द सेम वे कोल्डेस्ट प्लैनेट इज नॉट नेपट्यून, दो इट इज द फादेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, बट वो कोल्डेस्ट प्लैनेट नहीं है. कोल्डेस्ट प्लैनेट अगर पूछा जाए तो दैट इज यूरेनस, जिसका डिस्कवरी किसने की थी, विलियम हर्शटेल ने. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इलिप्सिस अकर्स ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमेनन. ऑप्टिकल मतलब लाइट से रिलेटेड है, इनमें से कौन सा लाइट का फिनोमेना है जिससे कि इलिप्सिस मतलब जो हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है, इलिप्सिस वो किस फिनोमेना की वजह से बनते हैं. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, लाइट के ही फिनोमेना है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रेक्शन और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. इसमें जो सबसे अलग आपने नहीं सुना होगा दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. तो आप ऐसे याद कर सकते हो, रेक्टिलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में, तो जब इलिप्सिस होता है तो एक लाइन में ही होता है, सन एक स्टेबल होता है, बीच में कभी मून आ जाएगा और सन स्टेबल है अगेन, बीच में कभी अर्थ आ जाएगा और उसके बाद मून आ जाएगा. तो यहाँ पर सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स बन, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स बनेगा. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन. नेक्स्ट इज, विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आर द सोलर सिस्टम दैट इज वीनस. अब ये आपको कमेंट में बताना है, इनमें से कौन से साइंटिस्ट का नाम है जिसने ज्योग्राफी टर्म दिया था इन द 3rd century BC. सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ ग्रेट डे.